हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिजलिंग प्लेट विद फाकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये रमज़ान स्पेशल मज़ेदार सी चटनी। चलिए मैं आपको बता दूँ क्या क्या चाहिए। ये मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है, दो सूखी लाल मिर्ची ली है, एक चम्मच ज़ीरा, एक टमाटर और गिल्ला खोपरा और इमली, थोड़ी सी पुदीना और ये हमारे मूँगफली के भुने हुए दाने। ये मैंने एक गड्ढी कोथमीर ली है यानी हरा धनिया। ये सब चीज़ों को हम मिला के पीस लेंगे, सब मिक्सर के हम कटोरी में डालेंगे। ये देखिए सारी चीज़ों को फ्रेंड्स डाल देना है और गीला खोपरा आप थोड़ा ज़्यादा लेना है, मतलब मैंने बड़े बड़े से तीन टुकड़े लिए हैं। सारी चीज़ों को मिक्सर में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। ये देखिए सारा हरा धनिया भी हमको डाल देना है। इसमें मैंने 5-6 लहसुन लिए हैं, एक छोटी सी अदरक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। ये हमारी मज़ेदार रमज़ान स्पेशल चटनी बनके तैयार हो चुकी है। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। मेरी वीडियोस को देखते रहिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।